व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो से हम लोग शेप सीरीज स्टार्ट करेंगे। न्यू सीरीज है, इसमें हम लोग चार शेप्स ड्रॉ कर रहे होंगे। हम सीख रहे होंगे अलग अलग वेज डिव डिव टैग जो हमारा होता है, या फिर किसी भी टैग को सेंटर कैसे करना है, ऐसी चीजें हम लोग सीख रहे होंगे सब सीरीज के अंदर। मेन जो फोकस मेरा होने वाला इस सीरीज के अंदर वो ये होने वाला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग शेप्स बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत फन चीज़ है यार। तो हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रैक्टिस में जाएंगे, यहाँ से इसको बंद करेंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट शेप्स यूजिंग HTML, CSS and JS। तो यहाँ पे इस वाले फोल्डर को हम लोग सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग यस किया एंड इसको बंद करेंगे जब हम, एंड यहाँ पे इस पे क्लिक करके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे index.html बनाएंगे, सॉरी शेप वन जो कि होगा सर्कल, इसको बंद करेंगे डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो ये हमने बना दी। तो इसके बाद डिफॉल्ट जो हमारा होता है क्रिएटिंग अ सर्कल यूजिंग एचटीएमएल, एचटीएमएल ऐसे लिखना है, पीएसएस, फिर ऐसे जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इसके बाद कोड एंड मैथ टैब दबाएंगे तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन करते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग हम लोग ऐसे करते हैं, बॉडी में नहीं करते ओपन, हम लोग हेड के अंदर ही ओपन करेंगे स्टाइल टैग को। यहाँ पे हमने स्टाइल टैग को ओपन करना है, एंटर मारेंगे, स्टाइल टैग ओपन, डिफॉल्ट सीएसएस लिखेंगे मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग ऑर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये तीन जो हम लिखते हैं मेन वही होते हैं। यहाँ पे डिव डॉट कंटेनर लिखेंगे सबसे पहले, तो जो कि बाहर का होगा डिव डॉट शेप लिखेंगे। तो ठीक है गाइस, ये दो चीजें हमारी एचटीएमएल का सारा काम पूरा हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डॉट शेप, इसके बाद डॉट कंटेनर, ठीक है, यही स्टाइलिंग लिखनी है सिंपली। इसके बाद शेप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, शेप का हम लोग बैकग्राउंड करेंगे ब्लैक, यस। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया। इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे हम लोग ब्लैक, को चेंज करेंगे थोड़ा सा ऐसे, इस पे क्लिक करेंगे। यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ना सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम थोड़ी सी। तो ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गो लाइव पे जब हम क्लिक करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे गो लाइव पे हमने क्लिक, तो हमारे पास ये हमारा बन के आ चुका है। अगर मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे राइट क्लिक अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, कंटेनर पे मेरा बैकग्राउंड नहीं आया लगता, आया हुआ है। तो मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी, थोड़ी सी नहीं दी थी, दैट्स व्हाई वो नहीं आया था। तो यहाँ पे हाइट देंगे 100 VH, विड्थ देंगे 100 VW कंटेनर को। इसके बाद हमारा ये बैकग्राउंड कलर आ चुका, ठीक है। इसके बाद आपको अगर सर्कल कहाँ पे है, तो सर्कल बताता हूँ कहाँ पे है। तो हाइट अगर हम दें इसे let's suppose 70 pixels, width देंगे अगर हम इसे 70 pixels, तो ये एक square type बन जाएगा, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा square बन चुका है। इसके बाद अब हम इसे center करके देखते हैं, तो display flex सबसे पहली वे ये center करने की, अगली वे next video में जा लूंगे, ठीक है। Align item center, justify content center, तो यहाँ पे हमने इसको center कर लिया है, देख सकते हो। ये तो आपको पता ही होगी अगर आप मेरे चैनल को पहले से देखते हो, क्योंकि मैं most of the times इसे use करता हूँ।
170 170 कर दे, थोड़ा सा बड़ा लगेगा ये स्क्वायर, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब मेन चीज आती है, आप लोग इसे गोल कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे इसे 50%, ठीक है, 50% की बॉर्डर रेडियस देंगे, तो ये गोल हो गया, देख सकते हो, देखा सर्कल बन चुका ये। तो इसी शेप डिव के अंदर भी अगर मैं कुछ लिखूं, माय नेम इज एनोनिमस, थोड़ा सा हैकर वाली फील आए, तो यहाँ पे माय नेम इज एनोनिमस आ चुका, देख सकते हो। अगर इसे सेंटर करना है उसके शेप के, तो सिंपली इसमें लिख दो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब एक बात बताऊं, ये ना सेंटर नहीं होगा, 99% चांसेस है, बट हो गया है। बट इन सम केसेस ये सेंटर नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी टैग नहीं लगाया है। तो इन केस ये आपके वाले में सेंटर ना हो, तो यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ टैग लगा देना और ये सेंटर हो जाएगा, पी स्लैश, तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, देख सकते हो। पहले भी सेंटर था वैसे, बट कईयों में नहीं होता, कईयों में हो जाता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है, कलर देंगे अगर हम इसे वाइट, तो ये हमारा विजिबल भी हो जाएगा। एंड फॉन्ट फैमिली दे के देखते हैं, जॉर्जिया, ये वाली पहली बार यूज कर रहा हूँ, कैसी फॉन्ट फैमिली है ये देखो, अच्छी नहीं लगी मेरे को, चेंज करते हैं फैमिली, लेट्स गो कैम्ब्रिया, कैम्ब्रिया तो मैंने यूज की हुई है, ये अच्छी है, ठीक है। तो इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो होगा 900 900, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बोल्डर हो जाएगा। एंड इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 30%, ठीक है, 30%। तो अब आप कहोगे 30% से इतना छोटा क्यों आ गया, ये किस पेरेंट की, इसने 30% वेट ले लिया, दैट्स व्हाई 30% आ गया, दैट्स व्हाई इतना छोटा आ गया। मतलब 80% अगर मैं दूं तो ये उतना ही आ गया, देख सकते हो आप लोग। अगर मैंने बाय चांस 100% दे दी, अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसको फुल विड्थ नहीं मिल सकती ना, तो इसको अंदर कुछ ना कुछ करके रहना पड़ेगा, क्योंकि सीएसएस ने दे दिया, तो सीएसएस की बात ये जरूर मानना चाहता है, तो इसके कारण इसको ऐसे फोल्ड होना पड़ता है 100% पे। तो 90% इज इनफ, एंड ये ठीक लग रहा है। अगर मैं इसके नीचे अब एक एस हेडिंग 1 डिफाइन कर दूं, एंड इट सर्कल सर्कल शेप, तो सर्कल शेप हमने दे दी, यहाँ पे ये ऐसा बन गया, देखा ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि मैंने शेप के अंदर ही डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसको बाहर ले जाऊं तो भी ये साइड में आ जाएगा, देखा। तो इसको अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन लगा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे, अब ठीक लग रहा है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग 1 हमारे पास एक ही है, तो क्या करेंगे, सीधा H1 को टारगेट करेंगे, कलर व्हाइट कर देंगे, फॉन्ट फैमिली हमारा कांगी वोली वोली बताना, ये तो ये हमारी सही लग रही है। सर्कल का स्पेलिंग गलत है बाय द वे, तो सही करते हैं इसे जल्दी से, तो सर्कल्स के स्पेलिंग सही है। अब अगर आप चाहते हो थोड़ा सा और साइड में है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको दे सकते हो मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट 10% की दे दो, ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा है तो 2% इज इनफ, आई थिंक 2% ही बहुत रहेगा ये, तो 2% इसको मार्जिन दे देते हैं, क्रॉस करके 2% करेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये ऐसा बन चुका है, ठीक है गाइस। तो
ये आज हमने बनाई सर्कल शेप, एंड इसको क्या आपको ये चीज अच्छी लगेगी। और आगे एक चीज बता दूं, अभी तक आपने अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो तो लाइक कर देना। एंड इसके एंड में ना हम लोग इन सभी शेप्स को जो हमने सीखी होगी उनको मिला के एक पर्सन बनाने वाले हैं। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, कौन सी वाली, क्रिएटिंग एनएफटी यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस कोड एंड मैन, तो नई जानकारी यूट्यूब पे आएगी, वो तो आज से यहाँ पे नहीं आई। यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे एंड सर्च पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ये क्रिएटिंग एनएफटी यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस कोड एंड मैथ। यार रैंक नहीं कर रही, सीधा यार चैनल पे चलते हैं, ऐसा करते हैं चैनल पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ओपन वीडियो सेक्शन पे आएंगे। आई थिंक मैंने इसी पे अपलोड की थी वो, हाँ आई थिंक मैंने वो ब्लॉग यूट्यूब पे अपलोड की थी। HTML CSS नहीं यूज की थी ना, इसलिए नहीं शायद रैंक कर रही। ब्लॉग यूट्यूब करते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लॉग यूट्यूब, ये जो मेरा चैनल, इस पे आएंगे वीडियो सेक्शन पे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे एंड ये रही, ये वीडियो आपको देखनी है, ठीक है गाइस। एंड ये चीज से इसमें हम लोग एक पर्सन टाइप वो बना रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लोड हो रहा अभी, ये चल तो चुका है। एंड तक अगर मैं यहाँ तक दिखाऊं आपको तो ये देख सकते हो आप लोग, हम लोग बना रहे हैं। एंड पे जाऊं अगर मैं तो यहाँ पे हमारा ये देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये पूरा एनएफटी मैन, हमने ऐसे शेप्स को जोड़ के सर्कल, ये सर्कल्स हैं, ये हमारा सेमी सर्कल है, ये चीज ट्रायंगल है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है, तो इनको जोड़ के हमने एक मैन बना रखा है। वही हम लोग इस वाली सीरीज के एंड में एचटीएमएल और सीएसएस से करेंगे, तो बहुत धमाकेदार होने वाली है ये सीरीज, तो देखते रहिए इस वाली सीरीज को एंड इस वाली वीडियो को। अभी मैं एंड करता हूँ, तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वाली वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना फ्यूचर में ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।